प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब इसके लिए आपको पहले एपी के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, तभी तो हम बता पाएंगे कि एपी है या नहीं है। प्रोग्रेशन समानांतर श्रेढ़ी, ये श्रेढ़ी होती है, श्रेणी नहीं होती है, कई बच्चे इसको गलत बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अगर कोई पैटर्न, कोई सिक्वेंस, कोई सीरीज, कोई श्रृंखला ऐसी है जिसके अंदर सब में बिल्कुल सेम डिफरेंस है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2, 5, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 11, ऐसे ही आगे कोई सीरीज जा रही है। अब इसमें पहले 3 को ऐड किया, फिर इसमें 3 को ऐड किया, फिर से इसमें 3 को ऐड किया, तो सबके अंदर 3-3 का डिफरेंस है ना, तो हम इसको समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ये हमारी रियल लाइफ में भी होती है। मान लीजिए किसी की शुरुआत में सैलरी 10,000 रुपये थी और उसको रूल के अकॉर्डिंग बोल दिया कि हर साल आपके 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, तो क्या अगले साल सैलरी कितनी हो जाएगी, 11,000, फिर उसके बाद अगले साल 12,000, फिर 13,000, फिर 14,000, तो इस तरह से उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब अगर कोई पूछे कि 5 साल बाद सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 10,000 के अंदर 5,000 को जोड़ देंगे, यानी कि 15,000 उसकी सैलरी हो जाएगी 5 साल के बाद। ऐसे ही अगर हम किसी और उसमें देखें, जैसे ऑटो का किराया होता है, ऑटो वाला अगर बोले कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे ना तो 10 रुपये लगेंगे आपको, तो 2 किलोमीटर जाने के कितने लगेंगे, 20, 3 किलोमीटर जाने के 30, 4 किलोमीटर जाने के 40, 5 किलोमीटर जाने के 50। अब सब में सेम डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आगे बढ़ेगा तो ही होगा, अगर कोई चीज कम हो रही है ना, माइनस में हो रही है, तो भी ये अप्लाई होता है। जैसे हमने किसी से मान लीजिए 50 रुपये ले लिए और हमने उसको बोल दिया कि हम आपको 3 रुपये हर महीने दे देंगे, लौटा देंगे। शुरुआत में हमें कितने रुपए, हमारे ऊपर कितने रुपए का कर्जा था, 50 रुपए का, हमने अगले महीने उसको 3 रुपए दे दिए। अब कितने रुपए देने हैं हमें उसको, 47 यानी 47 रुपए। फिर अगले महीने हमने फिर से 3 रुपए दे दिए, तो अब हमारे ऊपर कितना कर्जा बच गया, हम इसमें फिर से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44, फिर ऐसे ही आ जाएगा 41, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पूरे रुपए उतर जाएंगे। तो ये भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके अंदर भी अंतर बिल्कुल बराबर है, यहाँ भी 3 घट रहा है, यहाँ पे भी 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 3 माइनस हो रहा है, सभी के अंदर -3 हो रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो चाहे कुछ प्लस हो रहा हो, चाहे कुछ माइनस हो रहा हो, वही हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी होती है। आपको इसकी डेफिनेशन भी बाद में समझा दूंगी, पहले आप समझ लीजिए कि इसके अंदर है क्या। अब जो ये सबके अंदर बिल्कुल एक जैसा कम या सबके अंदर बिल्कुल एक जैसा बढ़ रहा है ना, उसको हम कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। जैसे अगर मैं अभी ये वाला एग्जांपल लूं, 50, फिर 47, फिर 44, फिर 41, अब इसके अंदर कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है तो कम, कोई चीज कम होती है तो उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस है, तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सपोज करो अगर ये वैसे अलग तरीके से होती, 41, 44, 47 और 50, अब यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोई चीज बढ़ती है ना उसको हम प्लस के अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर है वो प्लस का 3 है। अब जो पहले टर्म होती है उसको हम ए कहते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम सार्व अंतर। सार्व यानी सभी के अंदर, सब में बिल्कुल सेम यही डिफरेंस मिलेगा, अगर सब में सेम डिफरेंस नहीं है तो हम उसको एपी नहीं कह सकते, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। आगे आपको कहीं पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में, आपको हर जगह पे एपी लिखा हुआ मिलेगा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ताकि बार बार इतना बड़ा नाम ना लेना पड़े। एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एपी है 3, 3, 3, 3, ये ऐसे ही चलती जा रही है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0 का, कोई भी चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी कितना है, 0। तो एक कॉमन डिफरेंस इज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, जो हमारा सार्व अंतर है वो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 हो सकता है। हम बात कर लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट, सीमित और असीमित एपी की, जिसकी कोई लिमिट हो यानी जो एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाए, जैसे उसके सिर्फ और सिर्फ 20 टर्म दे दे, ये जो एक होते हैं ना इसको हम एक टर्म कहते हैं, पद हिंदी में कहेंगे उसको। अब इसमें कितने पद हैं, 4 टर्म है इसके अंदर, तो इसकी एक लिमिट है यानी एक जगह पे जाके खत्म हो गई है, ऐसे ही 10, 20, 50 कितने ही हो, बस यहाँ पे लास्ट में डॉट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट यानी कि सीमित। इनफाइनाइट यानी ऐसे में जिसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे मैं आपको कहूँ कि ऑल इवन नेचुरल नंबर,
सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, तो उसकी कोई सीमा है ही नहीं, हम कितना ही बड़ा नंबर ले सकते हैं। पहचान क्या होती है, ऐसे डॉट 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 से आ जाएगा ना, यानी आगे चलता हुआ जाएगा, इसकी कोई सीमा कोई लिमिट नहीं है, तो उसको हम इनफाइनाइट यानी असीमित कह देंगे, यानी इसकी कोई भी सीमा नहीं। पहला भाग है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो पहला जो भी किलोमीटर होगा ना उसके लिए लगेंगे 15 रुपये, फिर उसके बाद आप जितने भी दूरी तय करोगे उसके लिए हर किलोमीटर का 8 रुपये किराया तय है। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 हो गए, अगर हमने 2 किलोमीटर दूरी तय की है तो हम 15 के अंदर 8 को जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23। फिर हमने 3 किलोमीटर दूरी तय की है तो हम 23 के अंदर 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 31, फिर आ जाएगा 39। इस तरह से चलता हुआ जाएगा। अब इन सभी के अंदर अंतर समान है, यहाँ पे भी सब जगह 8 अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये केपी है। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब ये जो शेष हवा, ये शब्द लिख रखा है ना, इसने पूरा ही प्रश्न बदल दिया है। अगर यहाँ पे शेष हवा ना होता ना तो ये प्रश्न एपी होता। कैसे? मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास किसी बेलन के अंदर 100 ग्राम हवा है और हम उसके अंदर से हर बार 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देते हैं, तो 100 का 1/4 हिस्सा होता है 25 ग्राम, हम इसमें से 25 ग्राम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा 75, फिर हम इसमें से और 25 ग्राम बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 50 और फिर बचेगा 25। अब इन सभी के अंदर समान है तो ये एक एपी है, लेकिन ये पर्सन इस तरह से नहीं होगा, ये एक एपी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसने यहाँ स्पेशल लिख रखा है शेष हवा, यानी जो बची हुई हवा है ना उसका 1/4 हिस्सा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर 100 ग्राम हवा है, 100 ग्राम का चौथा हिस्सा निकाल दीजिए, 100 ग्राम का चौथा हिस्सा हो जाएगा 25, तो 100 में से 25 हमने निकाल दी, निकालने का मतलब माइनस करना, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे बचेगा हमारे पास 75 ग्राम। अब हमें इसका चौथा हिस्सा नहीं निकालना, जो बची हुई है ना उसका चौथा हिस्सा, तो हम पहले तो 75 का चौथा हिस्सा करेंगे। अब किसी कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो वो घट जाएगी, अब हम 75 में से 75/4 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 225/4। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे करेंगे, हम पहले इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे फिर उसको इसमें से घटा देंगे, तो आगे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन चलता हुआ जाएगा। अब एपी का मतलब क्या होता है, सभी के अंदर अंतर समान हो, हम तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे और दूसरे में से पहला पद घटाएंगे ना, तो अंतर समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, आप इसको करके भी देख सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि ये केपी नहीं है। इसको एक्स से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास शुरुआत में एक्स हवा थी, मैंने उस एक्स हवा में से 1/4 यानी इसका चौथा हिस्सा निकाल दिया, तो पहले एक्स थी फिर उसके बाद आ जाएगी 3x/4, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारे पास, जब हम 3x/4 का ही चौथा हिस्सा कर देंगे यानी 3x/16। अब हम 3x/4 में से 3x/16 को जब घटाएंगे तो ये आगे और आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टर्म आ गई x, सेकंड टर्म आ गई 3x/4, थर्ड टर्म आ गई 9x/16। जब हम इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे ना तो वो अलग आंसर आएगा, इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे तो अलग आएगा, मतलब सेम नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आंसर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है। तीसरा भाग है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो अब कोई कुआं खोदा जा रहा है तो उस कुएं के अंदर कुछ लागत इस तरह से निर्धारित की गई है कि शुरुआत की जो खुदाई होगी ना वो लगेंगे 150 रुपये, फिर उसके बाद जैसे जैसे मीटर बढ़ता हुआ जाएगा हर मीटर के 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत में हो गए हमारे पास 150, फिर अगले मीटर के लगेंगे 200, फिर उससे अगले मीटर के लगेंगे 250, फिर लगेंगे 300, इस तरह से चलता जाएगा। सभी के अंदर अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। चौथा भाग है खाते में 1 वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर एक बार जो राशि निर्धारित हो जाती है ब्याज की, हर साल वही लगती है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हर साल राशि बदल जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये मैंने शुरुआत में ब्याज में लिए और 8% की दर लगी हुई है उसके ऊपर, तो हम पहले 1 साल का निकाल लेते हैं कि हमें कितना ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज हमें देना पड़ेगा 800 रुपये इस हिसाब से, तो हर साल हमें 800 रुपये ही देने पड़ेंगे, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमें जो राशि देनी होगी ना, पहले साल की हमें 10,800 देनी पड़ेगी, फिर अगले साल देंगे तो 10,1600, फिर 10,2400, ये हमारी राशि हो जाएगी। क्योंकि मिश्र धन का मतलब क्या होता है, ब्याज के अंदर वो राशि जोड़ती जाती है जो हमने शुरुआत में ब्याज पर ली थी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ना अलग होता है, जैसे शुरुआत में हमने 10,000 रुपये लिए, पहले साल का उसके ऊपर ब्याज लग गया, अब अगले साल 10,000 के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, अगले साल 800
800 के ऊपर 10,800 के ऊपर ब्याज लगेगा, फिर इसका जो ब्याज होगा ना एक साल का वो फिर से इसके अंदर जुड़ जाएगा, फिर उससे अगले साल 10,800 पर ब्याज लगने की बजाय आगे जो राशि आएगी उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो अब सभी के अंदर समानता नहीं होगी, हर बार ब्याज बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर एपी नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारु अंतर डी है। हम पहले पद को ए कहते हैं और सारु अंतर को डी कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब इसने ए और डी यानी कि पहला पद और सारु अंतर दे रखा है, तो पहला पद तो हमारे पास है ही, हम पहले पद के अंदर सारु अंतर को हर बार जोड़ देंगे तो हमारे पास आगे के पद भी आ जाएंगे। हम इसके अंदर इसको जोड़कर पहले दूसरा पद निकालेंगे, फिर उसके अंदर फिर से डी को जोड़ देंगे, फिर जो तीसरा आएगा चौथा आएगा उसमें फिर से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम आगे चलते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ए 10 है तो फर्स्ट टर्म बिल्कुल ऐसे की ऐसी हो गई। डी हमारे पास 10 है तो हम 10 के अंदर 10 को ऐड कर देंगे 20 आ जाएगा, फिर हम 20 के अंदर फिर से 10 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 30 के अंदर फिर से 10 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये हमारी एपी हो गई। सेकंड पार्ट के अंदर ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या रखा है, -2। डी इज इक्वल टू 0। अब डी 0 है यानी डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो -2 ऐसे कैसा, फिर -2 फिर -2, ये हमारी एपी आ जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर ए इज इक्वल टू 4 है। अब ये माइनस का है ना, तो ये दो तरह से सोल्व हो सकता है। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास 4 है और डी माइनस का है, तो माइनस का होता है तो इसका मतलब वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, फिर हम 1 में से फिर से 3 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, फिर हम -2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये तो आ गई हमारी एपी। आप अगर इसको ऐसे ना करना चाहो तो आप सिंपल कैसे कर सकते हो, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म 4 है इसको ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, फिर इसके अंदर जो डी है ना उसको प्लस कर देंगे। अब डी की वैल्यू है -3 तो हम -3 को प्लस करेंगे, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म आ गई 1। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए हम सेकंड टर्म के अंदर जो डिफरेंस है उसको प्लस कर देते हैं। हम प्लस कर देंगे -3 को, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3, हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि निशान हमेशा बढ़ेगा आता है, तो यहाँ पे हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी -2। तो आप इसको जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, डी माइनस का है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अगर आप ये कहते हो कि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के अंदर डी को प्लस करने से आएगी तो आप इसको प्लस कर दीजिए, तब भी अपने आप माइनस का ही आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है ए इज इक्वल टू -1, फिर डी की वैल्यू है 1/2, अभी ये प्लस का है ना तो ये ऐड हो जाएगा। जब हम -1 में 1/2 को ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, -2 प्लस 1, अब निशान बढ़ेगा है तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। फर्स्ट टर्म है -1, सेकंड टर्म हमने निकाल ली है -1/2। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में ऐड कर देते हैं डिफरेंस को, -1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी थर्ड टर्म 0। फिर उसके बाद हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म के अंदर अगर मैं डिफरेंस को ऐड कर दूँ तो 0 के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे वो वैसे का वैसा रह जाता है, ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। क्वेश्चन में जितने कह रखे हैं उतने ही निकालने, अगर कह रखा है कि फर्स्ट 5 टर्म तो 5 निकाल दीजिए, पहले 5 पद निकालने के लिए वो रखा है तो 5 निकाल दीजिए। फिफ्थ पार्ट है इज इक्वल टू -1.25, डी इज इक्वल टू -0.25। हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में डी को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है, मेरे पास ए की वैल्यू है -1.25, डी की वैल्यू यहाँ पे है -0.25, तो हम डी को ऐड करते हैं ना ये बिल्कुल ऐसे कैसा आ जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो हम इसको ऐड कर देंगे -0.25। अब एक प्लस का और एक माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और निशान आ जाएगा हमारे पास माइनस का। आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए, 5 में 5 को ऐड किया 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 का, 10 था ना तो 1 ही आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5 आ गया, 1 ऐसे कैसा, तो ये आ गया हमारे पास 1.50, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं ना, निशान बढ़ेगा तो इस तरह से उसको याद रख सकते हो। अगर आपको ये प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाती है -1.50, तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को निकालने के लिए सेकेंड टर्म के अंदर डी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, उससे हमारे पास तीसरा पद आ जाएगा, तो माइनस
-1.5 ऐसे का ऐसा, हम इसको अंदर ऐड करेंगे किसको, d को, तो ये -0.5 वही सेम टू सेम, प्लस माइनस है माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, दशमलव के नीचे दशमलव को ही रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी 1.75 और वो भी माइनस का। फिर हम आगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.0। इस तरह से हम पहले चार पद यानी फर्स्ट फोर टर्म्स निकाल देंगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अब हमें ए और डी निकालना है। पिछले प्रश्न में हमें ए और डी दे रखा था, एपी निकालने थे, अब की बार इसने उल्टा कर दिया, एपी दे दी और सार्व अंतर और जो पहला पद है वो निकालने के लिए बोल दिया। अब पहला पद तो बिल्कुल आसान है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही हमारे पास पहला पद हो जाएगा, सार्व अंतर हमें निकालना पड़ेगा। सार्व अंतर के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो वो हमारे पास सार्व अंतर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दूसरे के अंदर से पहला ही घटाओ, आप तीसरे के अंदर से दूसरा भी घटा सकते हो, चौथे के अंदर से तीसरा भी घटा सकते हो, क्योंकि अंतर तो सभी के अंदर समान ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि यही फर्स्ट टर्म है। अब हम डी कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, हम जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो हम एक में से तीन को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अब कितना कम हो रहा है, हर बार 2 कम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे पहले 3 पे थे, फिर 1 पे आ गए, फिर और पीछे ऐसे ही चलते हुए जाएंगे, तो डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 2। फिर उसके बाद अगले पार्ट में ए की वैल्यू हमारे पास -5 है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा, बच्चे ऐसे में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको सबसे पहले सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद लिखना है -1, फिर बीच में हम इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, किसको, फर्स्ट टर्म को, तो बीच में आप माइनस का निशान लगा दीजिए और जो फर्स्ट टर्म यानी पहला पद है ना उसको बिल्कुल ऐसे कैसा लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। तो इस तरह से डी की वैल्यू आ जाएगी +4। फिर थर्ड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू हमारे पास 1/3 है फर्स्ट टर्म, हम डी निकालेंगे 5/3 यानी सेकेंड टर्म, दूसरे पद में से हम 1/3 यानी फर्स्ट टर्म पहला पद घटा देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये डी हमारे पास आ गया 4/3 प्लस का। फोर्थ पार्ट के अंदर ए की वैल्यू 0.6 हो जाएगी, जब हम सेकेंड टर्म यानी 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 को माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 0 को माइनस किया तो 1.1 ही हमारा डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। अभी की एपी का पता कैसे चलेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से एपी दे रखी है, तो हमारा सबसे पहला काम है हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। अगर इन दोनों के अंदर यहाँ पे अंतर समान आ रहा है तो ये एक एपी है, नहीं तो नहीं है। अब एपी आ जाएगी तो हम उसके आगे और पद निकाल लेंगे, अगर एपी नहीं आएगी तो उसको हम वहीं के वहीं छोड़ देंगे। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 16। एपी का मतलब ही क्या होता है, सभी के अंदर डिफरेंस बिल्कुल सेम हो। हम पहले 4 में से 2 को माइनस करके देखते हैं तो 2 आ जाएगा, हम 16 में से 4 को माइनस करके देखते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास 12 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारे पास एपी भी नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं 5/2 में से हम 2 को माइनस करेंगे, जब हम 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 को 1 से डिवाइड किया 2, उस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया, 4 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 1/2। अब यहाँ पे तो 1/2 है, हम आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर आगे भी 1/2 आ जाता है तो इसका मतलब ये एपी है, तो हम 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, उस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 के 5 से मल्टीप्लाई की तो 5। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 1/2। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एपी है, इसके आगे के 3 टर्म्स भी निकाल लेंगे, हम 7/2 में 1/2 को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से फिर से हम 1/2 ऐड कर देंगे, जो उसके बाद जो आंसर आएगा फिर से हम उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास आगे के 3 टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे 7/2 के बाद हमारे पास आएगा 4, फिर आगे आएगा 9/2, फिर उसके बाद आएगा 5। थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2। तो हम सेकेंड टर्म यानी दूसरे पद में से फर्स्ट टर्म यानी पहला पद घटा देंगे, -3/2 ऐसे का ऐसा। अब माइनस कर रहे हैं ना, घटा रहे हैं ना, तो बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, ये -1/2 है, इसको हम बिल्कुल ऐसे का ऐसा लिख देंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, अब एक प्लस का एक माइनस का तो घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और निशान हमेशा बढ़ेगा आएगा। तो हम 3/2 में से माइनस कर देते हैं 1.2 को, 2 में से 2 को माइनस किया 0 आ गया, 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब हम आगे
भी चेक कर लेते हैं। -5/2 हमारी थर्ड टर्म है। जब हम -5/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको नीचे 3/2। अब ये प्लस का है ना, एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का हो जाता है और निशान बड़े का आ जाता है। 2 में से 2 को माइनस किया 0, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, और किसका, माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। अब हम आगे के टर्म भी निकाल लेंगे। हम -7/2 में ऐड कर देंगे माइनस का 2, प्लस माइनस है माइनस है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 9/2। फिर हम -9/2 में से फिर से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -11/2, फिर आ जाएगा -13.2। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2 और प्लस का 2। अब यहाँ पे हम बिल्कुल वही सेम करके पहले तो चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। हम -6 में से माइनस करेंगे माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। फिर ऐसे ही सेम हम आगे चेक करेंगे। हम -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस है, 6 में से हमने 2 को माइनस किया तो प्लस का 4 आ गया। अब प्लस का 4 है तो इसका मतलब ऐड हो रहा है। हम 2 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो अगली टर्म आ जाएगी हमारे पास 6। 6 के अंदर 4 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 के अंदर 4 को ऐड किया तो 14 आ गया। फिफ्थ पार्ट है 3 + √2 यानी वर्गमूल 3 + √2 3 + √3 √2। ये क्वेश्चन आपको देखने में एकदम से डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास है तो ये सिंपल एक सीक्वेंस ही, तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 3 + √2 में से है, जब हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा अकेला √2। अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं, 3 + √2, इसमें से हम माइनस करेंगे 3 + √2 यानी वर्गमूल 2 को। आप एक काम करना, जब भी बाहर माइनस हो ना तो अंदर ब्रेकेट ले लेना। अगर आप ब्रेकेट नहीं लोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इस 3 के आगे माइनस लगा दोगे, आप इसके साथ कुछ भी इसका निशान वगैरह चेंज नहीं करोगे, तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए आपको बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है, अभी नहीं मैथ के अंदर हमेशा क्वेश्चन करते टाइम जब भी बाहर माइनस आता है तो अंदर वालों के सबके निशान बदल जाते हैं, तो आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए बाहर ब्रेकेट लगा लीजिएगा। अब ये 3 + √2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा, ये बाहर माइनस होने की वजह से ये वाला माइनस का बन जाएगा और साथ में इसका भी निशान बदल जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस का 3 और माइनस का 3, ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 √2 - √2। अब यहाँ तक एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। हमने इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया है, तो थर्ड टर्म यानी तीसरा पद हमारे पास है 3 + √2, उसमें से हमने माइनस किया सेकंड यानी 3 + √2, बाहर माइनस होने की वजह से निशान बदल गए, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 √2 यहाँ पे बच गया और -√2 यहाँ बच गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2x है, अगर मैं उसमें से x को माइनस करूँ तो मेरे पास अकेला x बच जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 है। अब यहाँ पे x लगा हुआ है तो यहाँ पे भी लग जाएगा हमारे पास x। ऐसे ही और देखें तो अगर मैं 5x में से 3x को माइनस करूँ तो 5 में से 3 को माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पे x है तो इसके साथ भी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन इसके अंदर है। मैं अगर √2 को x की तरह ट्रीट करूं, x की तरह मानूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तरह से 2x, ये हो जाएगा अकेला x। 2x में से हम x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अकेला x आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया। अब यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास क्या है, √2 यानी वर्गमूल 2, तो 2 √2 यानी 2 √2 में से जब हम अकेले √2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √2। अब दोनों जगह पे एक जैसा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। अब हम आगे के निकाल लेंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आगे के 3 भी निकालने के लिए बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। कैसे निकालते हैं, हम 3 + √2 के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है ना उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस प्लस का है, अगर माइनस का होता तो माइनस का कर देते। 3 ऐसे का ऐसा, हम 3 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 √2, तो ये हमारी आगे फिफ्थ टर्म यानी पांचवा पद आ गया। फिर इसके अंदर हम दोबारा से √2 यानी वर्गमूल 2 ऐड कर देंगे तो अभी हो जाएगा 5 √2 यानी 5 वर्गमूल 2। 3 ऐसे का ऐसा चलेगा, तो 3 + 5 √2, 3 + 6 √2,
√2, 3+7√2, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। आप जितना चाहो उतनी इसकी टर्म यानी पद निकाल सकते हो। सिक्स्थ पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, 0.2222, 4 times 2 आया है इसके अंदर। अब हम चेक करेंगे पहले एपी है या नहीं है। हम 0.22 के अंदर से 0.2 को माइनस कर देते हैं। 2 ऐसे कैसा, 2 में से 2 को माइनस किया, 0.2 आ गया। अब हम इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे, 0.3 times 2 हमारे पास है, फिर यहाँ पे 2 times है। जब यहाँ कुछ भी नहीं होता ना डेसिमल एंड दशमलव में, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। हम 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में से 0 को माइनस किया 0। अब क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम यहीं पे बता देंगे कि ये पी नहीं है, हम इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे। सेवन्थ पार्ट है 0 -4 -8 -12। हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो -4 -0। अब किसी में से 0 को माइनस करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा रह जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -4। अब हम कंफर्म कर लेते हैं, हम थर्ड में से सेकंड को भी माइनस कर लेते हैं, -8 - -4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं जब दोनों अलग अलग हों, और निशान हमेशा किसका आता है, बड़े का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4। अब हमें d का पता चल गया, d आ गया हमारे पास -4, यानी हर बार 4 कम हो रहा है। हम अगले टर्म निकालने के लिए इसको ऐड कर देते हैं, जो भी d है ना वो ऐसे का ऐसा ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको 6th टर्म निकालनी है तो आप 5th के अंदर ऐड कर दीजिए, आपको 10th निकालनी है तो आप 9th के अंदर ऐड कर दीजिए। तो -12 ऐसे का ऐसा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे किसको, -4 को। -12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 16 है। तो इसके बाद हमारी अगली टर्म आएगी -16, फिर हम फिर से माइनस कर देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। 8th पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2। अब हम d निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, -1/2। माइनस कर रहे हैं हम फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -1/2 ही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर आ गया 0, यानी d की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब d की वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये भी बिल्कुल ऐसे की ऐसे चलती रहेगी, -1/2, -1/2, -1/2। 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27। हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, हम थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब सेम डिफरेंस नहीं है ना, तो ये ए पी ही नहीं है, हम इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे। 10th पार्ट है 2a, 3a, 4a। हम सेकेंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 2a में से जब हम a को माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, फिर 3a में से जब 2a को माइनस करेंगे तो भी a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास ap है। अब 4a के बाद क्या आएगा, इस तरह से 5a, फिर आ जाएगा 6a, फिर आ जाएगा 7a, फिर आ जाएगा 8a, इस तरह से चलती हुई जाएगी। 11th पार्ट है a, a² a³, a⁴। हम सेकेंड में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a² - a। हम a को कॉमन ले लेते हैं, अंदर यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो इस तरह से सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर हमारे पास आ गया a और a-1। फिर उसके बाद हम a³ में से a² को माइनस करेंगे, जब a³ में से a² माइनस होगा तो a² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं? a-1 तो ठीक है एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है। 2 और 2 का स्केयर यानी 4 सेम नहीं हो सकते, तो ये दोनों सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो ये दोनों ep नहीं है, हम इसको यहीं के छोड़ देंगे, इसके आगे की टर्म्स नहीं निकालेंगे। √2, √8, √18, √132। ये क्वेश्चन आपको देखने में अटपटा सा लग रहा होगा, पहले हम इसको सिंपल बनाते हैं उसके बाद ये सोल्व होगा। √2 को तो हम आगे सोल्व कर नहीं सकते, ये तो ऐसे का ऐसा। √8 को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो जब भी आपको √ यानी वर्गमूल में से कुछ बाहर निकालना हो, तो हम पहले उसके जितने सकते हैं उतने टुकड़े कर लेते हैं। हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, उसको जगह पे 1 रख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 2 की जगह पे 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट यानी वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है कि वो किसी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 किसका स्केयर है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। जो बच गया ना उसको ऐसे कैसा अंदर रहने दीजिए। तो इस तरह से हम √8 यानी वर्गमूल 8 को लिख सकते हैं 2√2 यानी 2√2। फिर उसके बाद हम √18 यानी वर्गमूल 18 को हल करेंगे, तो हम इसके भी बिल्कुल ऐसे ही टुकड़े कर लेते हैं। हम सबसे पहले 18 यानी 18 को 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे किसके जोड़े बन रहे हैं, किसका पेयर है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर
अंदर रह जाएगा, तो हम अंडर रूट 18 ने वर्गमूल 18 को कह सकते हैं 3 अंडर रूट 2, 3 वर्गमूल 2। उसके बाद आगे है अंडर रूट 132, यहाँ पे 132 नहीं है, अकेला 32 है, अकेला 32 है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जब हम 32 यानी 32 के टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 2, 4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अंडर रूट 2। हमने इसको सिंपल बना लिया, अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। 2 अंडर रूट 2 यानी 2 वर्गमूल 2 में से जब हम वर्गमूल 2 को माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 यानी वर्गमूल 2 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों के अंदर सेम आ गया तो इसका मतलब ये एपी तो है। अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, तो पहले आया 1 अंडर रूट 2, फिर आया 3, फिर आया 4, ऐसे ही चलता जाएगा। 4 अंडर रूट 2 में अगर मैं d यानी अंडर रूट 2 वर्गमूल 2 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब हो सकता है आपको आंसर में 5 अंडर रूट 2 ना मिले, कैसे मिलेगा, जैसे 4 अंडर रूट 2 नहीं था ना सीक्वेंस के अंदर, तो वैसे ही ये भी नहीं है। ये किसके अंदर था, अंडर रूट 32 यानी वर्गमूल 32 में। अब इस 5 अंडर रूट 2 को हम इसमें बदलें कैसे, मान लीजिए मेरे पास अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंदर 3 × 3 × 2 है, अब 3 का पेयर यानी जोड़ा बन रहा है, 2 3 की जगह पे हम 1 3 बाहर निकाल लेंगे, तो जब ये अंदर से बाहर आ रहा है ना तो ये 2 की जगह पे 1 आ रहा है, तो इसका उल्टा करेंगे हम 3 को अंदर ले जाएंगे तो अब ये 1 की जगह पे कितने अंदर जाएंगे, 2। अब जब बाहर आते टाइम ये 1 हुआ था तो ये अंदर जाते टाइम 1 से 2 भी तो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे है 5 अंडर रूट 2। जब ये 5 अंदर जाएगा ना तो ये अकेला नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 5 × 5 × √2। जब हम इस 5 को दोबारा से बाहर निकालेंगे तो ये वैसे का वैसा बन जाएगा। अब 5 × 5 = 25 को 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारे पास 50, कितना अंडर रूट 50 वर्गमूल 50 है। तो इस तरह से हमारी अगली टर्म हो गई अंडर रूट 50 यानी वर्गमूल 50 है। फिर आगे जब हम 5 अंडर रूट 2 के अंदर अंडर रूट 2 यानी वर्गमूल 2 को ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, 6 वर्गमूल 2। अब ये 6 अंदर जाएगा ना तो 2 बार उकर जाएगा यानी 6 × 6 36 की 2 से मल्टीप्लाई की तो आ गया अंडर रूट 72 वर्गमूल 72। फिर उसके बाद आगे आ जाएगा 7 अंडर रूट 2, जब हम 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ले जाकर 49 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 98 वर्गमूल 98। ये आगे की संख्याएं आ गई। फिर उसके बाद अगला पार्ट है अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12। अंडर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, हम इसको एक तरह से खोल कर लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, फिर ये 2 × 3 = 6 बिल्कुल ऐसे कैसा आ सकता है। अब अंडर रूट 9 का मतलब क्या है कि 9 किसका स्केयर है, तो 9 3 का स्केयर है, आगे हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर अंडर रूट 12 यानी वर्गमूल 12 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, 2 वर्गमूल 3 है। अब हम सेकेंड टर्म के अंदर से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो इसके अंदर से जब ये माइनस होगा तो अंडर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का 1। फिर उसके बाद आगे हम थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे यानी 3 में से हम माइनस करेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 को, तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे किसी भी सिचुएशन में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। आप अगर चाहो तो आप इसको कॉमन लेकर आगे भी सोल्व करके देख सकते हो। जैसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। इस अंडर रूट वाले टॉपिक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अंडर रूट 3 इसमें भी है, अंडर रूट 3 इसमें भी है, बाहर कॉमन लिया जा सकता है तो अंदर बच जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 वर्गमूल 2। तो अब ये दोनों सेम तो नहीं आए ना, अलग अलग हैं। बेशक बाहर अंडर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 कॉमन है लेकिन अंदर वाला हिस्सा अलग है, अगर ये अलग है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अगला पार्ट है 1 का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49। इसने लिख दिया, हम इसको सिंपल बना लेते हैं। 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 25 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर आगे माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब सेम नहीं है ना, सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हम इसके आगे टर्म निकालेंगे कैसे, हम इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट है 1 का स्केयर, फिर 5 का स्केयर यानी 25, फिर 7 का स्केयर यानी कि 49, फिर 73 आ जाएगा। 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो भी 24 ही आएगा, 73 में से 49 को माइनस करेंगे तो भी 24 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। अब इसकी अगली टर्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास 73 है तो इसके अंदर हम डी को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 97, फिर हम 97 के अंदर फिर से 24 को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर से 24 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी आगे टर्म हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।